तो गाइस अभी हाल ही में हुई एक रिसर्च के अंदर ये शो किया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के लोग गैम्बलिंग में अपने पैसे डुबाने के मामले में वर्ल्ड की टॉप लिस्ट में आ चुके हैं, जिसका रीजन ये शो किया गया कि जल्दी ही सब कुछ पा लेने की इच्छा ने इन्वेस्टमेंट को लेकर उनका नजरिया ही बदल दिया। और इसीलिए स्टॉक मार्केट हो या फिर रियल इस्टेट, कहीं पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले ये लोग सिर्फ यही जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी इन्वेस्टमेंट उनको कम टाइम में बहुत ज्यादा रिटर्न देगी, और इसी जल्दबाजी में वो अपना सब कुछ खो बैठते हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है जहां लॉन्ग टर्म में तो आप अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म में भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन जो लोग इन्वेस्टमेंट के कुछ रूल्स को समझ जाते हैं, उनके लिए जल्दी प्रॉफिट निकालना बाकियों से बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो जान जाते हैं कि उनको अपनी इन्वेस्टमेंट कब, कहाँ और कैसे करनी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्वेस्टिंग से जुड़े कुछ ऐसे रूल्स बताने जा रहा हूँ जिन्हें सीखकर आप एक बेसिक लेवल से भी इन्वेस्टिंग को बहुत आराम से जान सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो पहला रूल जो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। इमेजिन करो कि आप अपनी कार में बैठे और उसको लेकर रोड पर निकल गए, बट आपको ये मालूम ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है। तो क्या आप ऐसे में एक सही डायरेक्शन पकड़ पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं। ऐसा ही कुछ इन्वेस्टमेंट के साथ भी होता है। लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनके इन्वेस्टमेंट का आखिर मोटो क्या है, या फिर उनको अपने पैसे कहाँ लगाने चाहिए। उनको जो भी चीज उनके हिसाब से फायदेमंद लगती है वो अपना सारा पैसा उसी में लगा देते हैं, और इसी वजह से उनको आगे चलकर लॉस झेलना पड़ जाता है। इसलिए सबसे पहले तो आप ये पता कीजिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट का आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है। आखिर क्यों आप किसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो? आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट उस चीज पर करनी चाहिए जो आपको समझ में आती हो। मतलब जो भी कंपनी, अगर आपको लगता है कि इसका बिजनेस मॉडल अच्छा है, इसमें पोटेंशियल है कि ये लॉन्ग टर्म तक ग्रो कर सकती है, तो इस तरह की कंपनीज को चुनना आपके रिस्क को काफी मिनिमाइज कर देता है। क्योंकि जब आप किसी कंपनी की फंक्शनिंग पर रिसर्च करके उस पर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके पैसे ग्रो होने का चांस वहां पर फिर इंक्रीज हो जाता है। नंबर टू, थिंक लाइक एन ऑनर। आरएमबी कैपिटल के को चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर क्रिस ग्राफ कहते हैं कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप एक ऑनर की तरह सोचिए, ना कि एक इन्वेस्टर की तरह। क्योंकि जब आप किसी कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आप सिर्फ कंपनी के स्टॉक में ही अपने पैसे नहीं लगाते, बल्कि आप उस कंपनी के बिजनेस में भी लगाते हैं। नाउ बहुत से बिगनर्स क्या करते हैं, वो किसी भी कंपनी के सिर्फ नाम के बिहाफ पर उसमें इन्वेस्टिंग करने लग जाते हैं, बट उस कंपनी की एक्चुअल में स्ट्रेटजी क्या है उसका उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता। देखो, किसी भी कंपनी का स्टॉक उसके बिजनेस का एक फ्रैक्शनल ऑनरशिप इंटरेस्ट होता है, जिसकी वैल्यू उस बिजनेस के ग्रो होने से बढ़ती है। सो अगर आप एक बिगनर हैं और किसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो सिर्फ उस कंपनी का नाम जान लेना ही आपके लिए काफी नहीं होगा। जो भी टॉप कंपनीज आपके मन में आ रही हैं, आपको उन कंपनीज के ऊपर अच्छे से रिसर्च करनी होगी और देखना होगा कि जो भी कंपनी मैंने पिक करी है, आखिर ऐसा क्या रीजन है कि ये कंपनी बाकी कंपनी से अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। इसके अलावा बहुत से लोग ये भी दावा करते हैं कि भाई, इस कंपनी के स्टॉक में अपने पैसे इन्वेस्ट करके तेरे पैसे बहुत जल्दी डबल हो जाएंगे। तो आपको जितना हो सके ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि जो लोग ऐसी बातें करते हैं वो 90% टाइम्स फ्रॉड होते हैं, जो अपना फायदा करने के लिए आपका नुकसान करवा जाते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको खुद से बिजनेस के फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन को एनालाइज करना होगा, और ये काम आप तभी कर सकते हैं जब आप किसी बिजनेस को इन्वेस्टर की नजर से नहीं बल्कि एक ऑनर की नजर से देखें। नंबर थ्री, स्टिक टू योर प्रोसेस। कई स्टडीज में ये प्रूव किया जा चुका है कि लोग आजकल शॉर्ट टर्म रिजल्ट पर ही सबसे ज्यादा फोकस करने लगे हैं। मतलब उनको हर चीज जल्द से जल्द चाहिए होती है, और यही रीजन है कि लोग अब प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं बल्कि रिजल्ट ओरिएंटेड बन चुके हैं। एंड सेम यही केस इन्वेस्टमेंट का भी है। लोग इन्वेस्टमेंट यही सोचकर करते हैं कि वो दुनिया के रिच इन्वेस्टर्स की तरह रातों रात अमीर बन जाएंगे, जबकि इन्वेस्टमेंट में ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। चाहे आप अपने पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें या फिर म्यूचुअल फंड में, पैसों को ग्रो होने में टाइम लगता है, और ये प्रोसेस कभी थोड़ा होता है तो कभी लंबा भी हो जाता है। बट अपने इम्पल्सिव नेचर की वजह से लोग इस प्रोसेस की अहमियत को समझ नहीं पाते, और जल्द से जल्द रिजल्ट पाने के लिए बार बार अपने इन्वेस्टमेंट में फेर बदल करते रहते हैं, जिससे उन्हें कंपाउंडिंग का फायदा बिल्कुल नहीं मिलता। उल्टा शॉर्ट टर्म बेनिफिट पाने के चक्कर में वो अपने पैसे डुबा देते हैं। तो अगर आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट से ज्यादा उसके प्रोसेस को इम्पोर्टेंस दीजिए, तभी आप लॉन्ग टर्म में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाएंगे। नंबर फोर, बाय व्हेन एवरीवन इज फियरफुल। आपने देखा होगा कि जब भी मार्केट डाउन होता है तो लोग हड़बड़ी में अपने स्टॉक्स को सेल करना शुरू कर देते हैं, बट दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के अकॉर्डिंग यही वो टाइम होता है जब रियल बार्गेनिंग शुरू होती है, और इसका आपको बेसब्री से इंतजार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत महंगा स्टॉक भी सस्ते दाम में मिल जाता है। तो ऐसे में जब मार्केट में स्टॉक के प्राइस कम हो तो आपको एक बेयर स्पेकुलेटर की तरह एक्ट करना चाहिए और सस्ते दाम में स्टॉक खरीदकर प्राइस बढ़ने पर उसे बेचकर प्रॉफिट निकाल लेना चाहिए। नंबर फाइव, कैलकुलेट द रियल रिटर्न।
रिटर्न किसी भी इन्वेस्टमेंट का एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है, क्योंकि इसी चीज के लिए लोग अपने पैसे किसी कंपनी में लगाते हैं। अब वैसे तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिटर्न को कैलकुलेट करने का बहुत खास ध्यान रखते हैं, पर कुछ लोग इस कैलकुलेशन को बहुत लाइटली ले जाते हैं, जो किसी भी तरह से उनके लिए एक पॉजिटिव साइन नहीं होता। क्योंकि आगे चलकर जब उनको ये पता चलता है कि ये कंपनी तो इतनी रिटर्न दे ही नहीं रही जितना उन्होंने सोचा था, तो उस सिचुएशन में आकर आपको पछताना पड़ जाता है। इसलिए पहले ही रिटर्न कैलकुलेट सही से कर लेना इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें इन्फ्लेशन कॉस्ट के साथ साथ ट्रांजैक्शन कॉस्ट जैसे टैक्स को भी कंसीडर किया जाता है। नंबर 6, अवॉइड टाइमिंग द मार्केट। एक्सपर्ट्स हमेशा अपने क्लाइंट को ये एडवाइस करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करते टाइम उनको स्टॉक्स बाय या फिर सेल करने के लिए एक परफेक्ट टाइम का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट में परफेक्ट टाइम से ज्यादा मार्केट का टाइम मैटर करता है। मतलब किसी कंपनी में अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पूरा फोकस सिर्फ इन्वेस्टिंग पर ही रखना है, ना कि ट्रेंड में क्या चल रहा है उसे देखकर भटक जाना है, क्योंकि मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आना एक बहुत ही नॉर्मल चीज होती है। एंड ऐसे में अगर आप मार्केट के अप होने पर शेयर बाय कर लेंगे और डाउन होने पर डर के मारे उस शेयर को फौरन बेच देंगे तो बाद में आप ही का नुकसान होगा, बिकॉज स्टॉक मार्केट का मतलब ही है वोलेटिलिटी। इसीलिए आपको मार्केट के फ्लक्चुएशन पर ध्यान न देकर सिर्फ अपने पैसों को ग्रो करने पर ध्यान देना चाहिए। जितने भी कामयाब इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टिंग के इस रूल को वो बहुत अच्छे से समझते हैं, इसीलिए लॉन्ग रन में उन्हें इससे बहुत फायदा हो जाता है। नंबर 7, डाइवर्सिफाई रिस्क। अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हैं तो आपको अलग अलग एसेट्स में पैसे इन्वेस्ट करने के बारे में जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और जब आप इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करते हैं तो इससे आपका रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन एक तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होती है, जिसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए कई लोग फॉलो करते हैं, ताकि इन्वेस्टर को अगर एक इन्वेस्टमेंट से लॉस हो तो उसका लॉस दूसरे इन्वेस्टमेंट से कवर हो जाए। एग्जाम्पल देखें तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आप अपने सारे पैसे सिर्फ एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पर रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप अपने पैसों को स्टॉक के साथ साथ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड, रियल एस्टेट या और भी बाकी जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक तो अलग अलग जगह से रिटर्न्स मिलेंगी, और अगर आपको स्टॉक मार्केट में लॉस होता है तो उस लॉस को आप सिक्योरिटीज के रिटर्न से कवर कर सकते हैं। सो इन्वेस्टमेंट के इस रूल को हमेशा याद रखना। तो गाइस, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें तो इन्वेस्टमेंट करते टाइम इन रूल्स को जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि एज अ बिगिनर इन्वेस्टर ये रूल्स आपके लॉस को कम करने और आपका प्रॉफिट बढ़ाने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ये वीडियो गाइस अगर आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ कॉमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। पर अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।